सो गाइस इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ इस तरह का ये न्यू ट्रेंड आया है, तो आप भी इस टाइप की रील वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस इस टाइप की एडिटिंग सीखने के लिए आपको ये दो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। कैपकट एप्लीकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लेना। और टर्बो वीपीएन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करके आपको टर्बो वीपीएन को कनेक्ट करके आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड न्यू प्रोजेक्ट इस पर आपको टैप कर देना है। देन आपको अपनी गैलरी में से अपने वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपको एडिटिंग करनी है। तो आपको वीडियो को सिलेक्ट करके नीचे ऐड वाले बटन पर टैप करके वीडियो को ऐप के अंदर ऐड कर लेना है। सो यहाँ पर हमारा वीडियो ऐप के अंदर ऐड हो चुका है जैसे कि देख सकते हो। तो आपको वीडियो को ऐप के अंदर ऐड कर लेना है एंड आपको अपने वीडियो पर टैप करना है एंड नीचे की तरफ आपको वॉल्यूम वाले बटन पर टैप करके इसकी वॉल्यूम को आपको म्यूट कर देना। ओके, तो हम इसको म्यूट कर देते हैं। तो ये आपको कर लेना है। ये करके फ्रेंड्स आपको इसके अंदर ऑडियो को ऐड करना होगा। तो ऑडियो को ऐड करने के लिए आपको वीडियो के नीचे ऐड ऑडियो लिखा है, तो आपको इसके ऊपर टैप कर देना है एंड यहाँ पे आपको एक्सटर्नल वाले बटन पे टैप करना है। तो यहाँ पे आपको अपनी गैलरी में से उस वाली रील वीडियो को सिलेक्ट करना है जिसका आप ऑडियो यूज करना चाहते हो। तो रील वीडियो को आपको इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर लेना है, देन आपको उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपको नीचे एक्सटर्नल एंड ऐड ऑडियो आपको इसके ऊपर टैप कर देना है। तो रील में से साउंड कन्वर्ट होके ऐप अंदर ऐड हो जाएगा जैसे कि देख सकते हो। तो आपको ये कर लेना है। तो ये होने के बाद फ्रेंड्स आपको देखना है कि आपके वीडियो की लेंथ आपके ऑडियो की लेंथ से छोटी है या बड़ी है। तो यहाँ पे हमारे वीडियो की लेंथ हमारे ऑडियो की लेंथ से थोड़ी सी छोटी है, तो आपको अपने वीडियो पे टैप करना है। ओके, एंड नीचे स्पीड वाले बटन पर आपको टैप करना है एंड नॉर्मल इस पर आपको टैप करना है। ओके, एंड ये जो आइकन दिख रहा है आपको इसको आपको सिंपली थोड़ा सा पीछा करना है। ओके, एंड नीचे आपको राइट वाले बटन पे टैप करना है। तो ये देखो थोड़ी सी ये बड़ी हो जाएगी। ओके, देन आपको ऑडियो पे टैप करना है एंड अपने वीडियो पे टैप करके नीचे स्प्लिट वाले बटन पे टैप करके आपको इसको स्प्लिट करना है एंड इस वाले पार्ट को आपको डिलीट कर देना है। सो ये होने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे ओवरले इस पर आपको टैप करना है, देन ऐड ओवरले इस पर आपको टैप करना है एंड आपको अपनी गैलरी में से उस वाली रील वीडियो को सिलेक्ट करना है जिस तरह की आपको एडिटिंग करनी है। तो आपको वीडियो को डाउनलोड कर लेना है इंस्टाग्राम से, देन आपको सिलेक्ट करके नीचे ऐड वाले बटन पर टैप करके वीडियो को ऐप के अंदर ऐड कर लेना है। सो यहाँ पर हमारी वीडियो ऐप के अंदर ऐड हो चुकी है, तो आपको इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है एंड नीचे की तरफ आपको ये ऐड कर देना। ओके, सो ये कनेक्टमेंट फ्रेंड्स आपको करना है क्या, आपको इसके अंदर सबसे मेन काम करना होगा, इसको आपको एकदम परफेक्ट तरीके से देखना। ओके, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको वैसा सेम इसके अंदर प्रोसेस करना होगा। ओके, तो आपने जो ये ऑडियो ऐड करा था आपको इसके ऊपर टैप कर देना है। सो यहाँ पे ये जो ऑडियो हमारा, ओके, तो आपको इस ऑडियो के अंदर ऊपर की तरफ ये जो पॉइंट उठ रहे, ओके, तो सिंपली आपको इन पॉइंट के ऊपर आ जाना है। ओके, जो फर्स्ट पॉइंट है आपको इसके ऊपर आ जाना है एंड अपने वाले वीडियो पे आपको टैप करना है एंड नीचे आपको स्प्लिट वाले बटन पे टैप करके आपको इसको स्प्लिट कर लेना है। ओके, ये करके फ्रेंड्स आपको वापस से सेकेंड वाले पॉइंट पर आना है जहाँ पर ये ग्राफ अप हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ उठ रहा है। आपको सेकेंड वाले पॉइंट पर आना है एंड अपने वाले वीडियो पर टैप करके स्प्लिट वाले बटन पर टैप करके आपको इसको स्प्लिट करना है। ओके, तो जितने भी ये पॉइंट फोन के अकॉर्डिंग आपको अपने वीडियो को स्प्लिट कर लेना है। ओके, यहाँ तक आपको करना है, ये सिर्फ यहाँ तक, तो ये आपको कर लेना है। ये मैं फटाफट कर लेता हूँ। सो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमारा वीडियो स्प्लिट हो चुके हैं, पॉइंट के हिसाब से आपको ये स्प्लिट कर लेना है अपने वीडियो को। ओके, ये करके फ्रेंड्स आपको आ जाना है। ओके, यहाँ पे आपको वीडियो को प्ले करना है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे छोटी वाली वीडियो में कहाँ पे शेक इफेक्ट आ रहा है। ओके, जहाँ पे भी शेक इफेक्ट है वहाँ पे आपको अपने वीडियो को स्प्लिट कर लेना। तो हम पीछे की तरफ आते हैं एंड वीडियो को प्ले करते हैं एंड जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे एक शेक इफेक्ट आ रहा है। तो वीडियो को हम यहाँ पे पॉज करेंगे, देन अपने वाले वीडियो पे टैप करेंगे एंड आपको इसको स्प्लिट कर लेना है। ओके, ये करके फ्रेंड्स आपको वापस से वीडियो को प्ले करना है एंड यहाँ पे जैसे ही देख सकते हो एक और शेक इफेक्ट आ रहा है। तो वीडियो को आपको पॉज करके अपने वीडियो पे टैप करना है, देन स्प्लिट वाले बटन पे टैप करके वीडियो को स्प्लिट कर लेना। ओके, ये करके आपको वापस से वीडियो को प्ले करना है एंड यहाँ पे एक और शेक इफेक्ट आ रहा है। ओके, तो वीडियो को आपको पॉज करना है, देन अपने वाले वीडियो पे टैप करके स्प्लिट करना। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको आगे की तरफ जितने भी ये शेक इफेक्ट है तो वहाँ पर आपको अपने वीडियो को स्प्लिट कर लेना। ओके, ये तो मैं फटाफट कर लेता हूँ, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये आपको कर लेना। ओके, सो यहाँ पर मैंने सारे स्प्लिट ऐड कर दिए जैसे ही देख सकते हो, तो ये आपको परफेक्ट तरीके से कर लेना। तो ये करके आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आ जाना। यहाँ पे जैसे ही देख सकते हो छोटी वाली वीडियो में यहाँ पे एक ब्लैक टाइप का एक इफेक्ट है, तो उस इफेक्ट को ऐड करना होगा आपको अपने ओरिजिनल वीडियो में। तो वो करने के लिए आपको नीचे इफेक्ट पे टैपना है, देन वीडियो इफेक्ट इस पर आपको टैपना है, देन ऊपर की तरफ आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग इस पर आपको टैपना है, देन यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ टीवी ऑन इस वाले इफेक्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना। ओके, देन ऊपर आपको राइट वाले बटन पे टैप कर देना है
तो ये इसमें ऐड हो जाएगा जैसे कि देख सकते हो। तो आपको सिंपली इसको थोड़ा सा जूम कर लेना अपने वीडियो को, ओके। एंड जो इफेक्ट है इसके ऊपर आपको टेपना है एंड इसकी लेयर को आपको पकड़ के यहाँ तक करना है, ओके, यहाँ तक ही करना आपको, इसको आगे नहीं करना। तो यहाँ पे आपको ये कर लेना है। ये करके फ्रेंड्स जो आगे वाला पार्ट है हमारा, जो वीडियो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ओके। तो ये वाला इफेक्ट है इसके अंदर, तो इसको आपको ऐड करना होगा अपने वीडियो में। तो वो करने के लिए आपको सिंपली जो सेकंड वाले पार्ट है उसके ऊपर आपको टैप कर देना है, ओके। देन नीचे की तरफ आपको एनिमेशन, इस पर आपको टैप करना है। देन यहाँ पे आपको ऊपर इन आउट और कॉम्बो, तो आपको कॉम्बो वाले को सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको देखो कई सारे एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्टिंग में आपको एक एनिमेशन देखने को मिलेगा पेंडुलम नंबर, ये वाला पेंडुलम नंबर फर्स्ट, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना। सो ये करके आपको सेकंड वाली क्लिप के ऊपर आ जाना, ओके। एंड उसके ऊपर आपको टैप करना है एंड एनिमेशन वाले बटन पर आपको टैप करना है। एंड यहाँ पे आपको कॉम्बो वाले को सिलेक्ट कर लेना है, जो हमने सेकंड वाली क्लिप के अंदर इस वाले को लगाया था पेंडुलम नंबर फर्स्ट, ओके। तो आपको अब की बार इस वाले को ऐड करना है पेंडुलम नंबर टू, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, ओके। ये करके आपको जो सेकंड क्लिप होगी हमारी उसके ऊपर आ जाना एंड एनिमेशन इस पर आपको टैपना है। देन कॉम्बो पे टैपना है एंड आपको वापस से पेंडुलम नंबर फर्स्ट आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, ओके। ये करके फ्रेंड्स आपको यहीं से आपको जो हमारी नेक्स्ट क्लिप है उसके ऊपर आ जाना, ओके। ये करके आपको वापस से पेंडुलम नंबर फर्स्ट, ओके, मतलब सेकंड आपको इसको सिलेक्ट कर लेना। तो आपको कुछ इस तरीके से एक क्लिप के ऊपर आपको पेंडुलम नंबर फर्स्ट, तो दूसरी क्लिप होगी उसके ऊपर आपको पेंडुलम नंबर टू, तो कुछ इस तरीके से आपको ये एनिमेशन यहाँ तक अप्लाई कर देना, ओके, यहाँ तक सिर्फ। तो ये मैं फटाफट कर लेता हूँ। सो ये एनिमेशन इसमें अप्लाई हो चुके, जितने भी पार्ट हैं इसके अंदर ये अप्लाई हो चुके हैं यहाँ तक, ओके। तो आपको ये अप्लाई कर लेना। सो अप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स आपको वीडियो को प्ले करना है एंड यहाँ पे ये जो इफेक्ट है इस वाली क्लिप के अंदर, ओके, ये वाले देख लो एक बार, वीडियो को वापस से मैं प्ले करता हूँ। एंड ये जो वाला इफेक्ट है इसके अंदर आपको ये अप्लाई करना होगा अपने वाली वीडियो में। तो वीडियो पे आपको टैपना है, देन एनिमेशन इस पे ऊपर आपको टैपना है, ओके। ये करके फ्रेंड्स आपको कॉम्बो इस पर आपको टैपना है। सो कॉम्बो को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे एक एनिमेशन देखने को मिलेगा स्ट्रेच, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना। देन राइट वाले बटन पर आपको टैप कर देना है, तो ये इसमें अप्लाई हो जाएगा। एंड ये करके आपको वीडियो को वापस से प्ले करना है, ओके। एंड जैसे कि देख सकते हो ये वाली जो क्लिप है इसके अंदर एक और एनिमेशन है, तो आपको वीडियो को प्ले करना है। एंड यहाँ पे आपको नीचे एनिमेशन इस पर आपको टैप करना है। देन यहाँ पे आपको ऊपर कॉम्बो वाले को सिलेक्ट कर लेना। देन सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डेशर्ट इस वाले को आपको सिलेक्ट कर लेना, ओके। देन नीचे की तरफ आपको राइट वाले बटन पे टैप कर देना है, तो ये इसमें अप्लाई हो जाएगा। एंड वापस आपको वीडियो को प्ले करना है। एंड ये जैसे कि देख सकते हो इसके अंदर एक और इफेक्ट है, मतलब एनिमेशन, तो आपको इसको अप्लाई करना होगा। वीडियो पे आपको टैप, देन एनिमेशन वाले बटन पर आपको टैप करना है एंड कॉम्बो वाले बटन पर आपको टैपना है। एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करना है, okay? तो ये करके फ्रेंड्स आपको इस वाले को सिलेक्ट करना है, डेशर्ट लेफ्ट, ओके। देन नीचे की तरफ आपको राइट वाले बटन पे टैप कर देना है, तो ये इसमें अप्लाई हो जाएगा। देन आपको वापस से वीडियो को प्ले करना है। एंड ये जो वाला पार्ट है इसके अंदर भी आपको एक एनिमेशन ऐड करना होगा, तो वीडियो के ऊपर आपको टैपना है एंड एनिमेशन इस पर आपको टैपना है। एंड अब की बार फ्रेंड्स आपको ऊपर की तरफ इन वाले को सिलेक्ट कर लेना, ओके। ये करके फ्रेंड्स आपको स्टार्टिंग में एक एनिमेशन देखने को मिलेगा रॉक वेरिकल, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड राइट वाले बटन पर आपको टैप कर देना, तो ये इसमें अप्लाई हो जाएगा। देन आपको वीडियो को वापस से प्ले करना है एंड ये जो इफेक्ट है इसके अंदर, तो आपको इसको अप्लाई करना होगा। तो वीडियो पे आपको टैपना है, देन एनिमेशन इस पे आपको टैपना है, इन वाले को आपको सेलेक्ट कर लेना, ओके। ये सेलेक्ट करके फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहां पे आपको एक एनिमेशन देखने को मिलेगा शेक 3, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है एंड नीचे राइट वाले बटन पर आपको टैप कर देना है, तो ये इसमें अप्लाई हो जाएगा। देन आपको वीडियो को वापस से प्ले करना है एंड जैसे कि देख सकते हो इसके अंदर एक और शेक इफेक्ट है जूमिंग टाइप का, तो आपको इसको अप्लाई करने के लिए वीडियो पर टैपना है। देन एनिमेशन इस पर आपको टैपना है, तो इन वाले को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ओके। ये करके फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जूम फर्स्ट इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, देन राइट वाले बटन पर आपको टैप कर देना है, तो ये इसमें अप्लाई हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको वापस से वीडियो को प्ले करना है एंड यहाँ पे जो लास्ट वाला वीडियो है इसके अंदर आपको एक और एनिमेशन ऐड करना होगा, तो वीडियो पे आपको टैपना है एंड एनिमेशन इसके ऊपर आपको टैपना है, ओके। एंड इन वाले को आपको सिलेक्ट कर लेना है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जूम 2 इसको आपको सिलेक्ट कर लेना, देन नीचे की तरफ आपको राइट वाले बटन पे टैप कर देना है। सो ये सारे एनिमेशन और इफेक्ट वगैरह इसके अंदर अप्लाई हो चुके, तो आपको ये परफेक्ट तरीके से कर लेना। अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आया तो फ्रेंड्स आपको वीडियो को वापस से प्ले करना है एंड वापस से स्टार्टिंग से आपको ये वीडियो को परफेक्ट तरीके से देखना है एंड आपको एडिटिंग ये कर लेना, ओके। एंड यहाँ पे आपको इस वीडियो को HD क्वालिटी में सेव करना होगा, तो वो करने के लिए फ्रेंड्स आपको ऊपर 720p आपको इसके ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे आपको 1080p आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आपको 30 fps एंड जो कोड रेट होती है आपको इसको हाई कर देनी है, ओके।
ये तीन सेटिंग कर लेनी है आपको। ये करके एक्सपोर्ट वाले बटन पर आपको टैप कर देना है, देन ये वीडियो आपकी गैलरी में HD क्वालिटी में सेव होने लग जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप ये वीडियो क्रिएट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।